बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं नीचे जैसे ही आया हूँ गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी है कल एक साइड थी वो कच्चे में थी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता था नदियों में इधर उधर, तो झंडे लग लग के जो है ना मेरी गाड़ी की ये नंबर प्लेट ढीली हो चुकी है, तो ये बचत हो गई है गिरने से, इस पर मेरी नज़र पड़ गई है। तो ये अभी मैं टाइट कर देता हूँ, ये तो ये गिर जाए नहीं तो काफ़ी सारा बंदा को जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती है इसके लिए। इस साइड पे जो है ना हम पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, इधर इतना काम नहीं था, हमारा काम खत्म हो गया। पीछे राणा साहब खड़े हैं, एक बंदा ऊपर गया हुआ काम करने के लिए, वो नीचे आता है, इसके बाद हमने आगे जाना है। उधर का मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ, साइड पे बादल चेक करना माशाल्लाह। ये जिस जगह पे अभी हम आए हुए हैं ना, इस जगह का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो जिधर बादल नज़र आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि सूदा के आस पास ही है कहीं उधर साइड, हमें इसलिए पता चल जाता है कि हमने उधर जाना है, क्योंकि हमारे ये जो टावर के साथ एक ऊपर आपको वाइट कलर का बीच नज़र आएगी ना, ये दबलोन डिब्बा सा जो लगा हुआ, इसे देख के हमें पता चल जाता है कि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हमारी दूसरी साइड भी इधर ही होगी। अभी मैं रोड से गुजर रहा था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो गाड़ी में से बनाई है, फिर मैंने गाड़ी रोकी है स्पेशल इसलिए कि शायद आपको यकीन ना आए कि यार ये वाकई वही जगह है। जी बिल्कुल, ये वही जगह है जिधर से पहले मैं आपको दिखा रहा था, उधर धूप निकली हुई थी, उधर इधर देखें ये बादल, ये ज़मीन पर नीचे घूम रहे हैं बादल, धुंध पड़ी हुई है। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो उस तरह देख लेना मेरी बैक साइड से, ये इधर जगह था, उधर धूप है। ये अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, उधर का आपको व्यू चेक कराता हूँ। सही है,
या मैं अंदर कैबिनेट में काम कर रहा हूँ और ये बाहर चेक करो, ये आके इधर तंग कर रहे हैं। मैं समझे शायद कि खाने पीने की चीज़ होगी, इसके पास तो फेंक देगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं इनके आगे फेंकूँ। ओए अरोला पाओ, ओए चेक करो, वो एक कमर पे बैठा हुआ है। अभी जो है ना हमारा इधर से काम ख़त्म हो गया है, जाना है दूसरी साइड पे, तो टाइम थोड़ा शार्ट है, शाम के 4 हो रहे हैं, कल रात को भी काफ़ी लेट आए हैं, इसी वजह से उन्होंने आज जो साइड है ना हमें करीब दी थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इधर का व्यू करवाता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी प्यारा जगह, काफ़ी प्यारा मौसम है, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। यार आज तो कसम से मज़ा आ गया, क्योंकि जगह बहुत प्यारी है, मौसम ऊपर से बहुत प्यारा है, और यकीन करो, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको जो है ना देखो व्यू करवाता हूँ, जगह चेक करता हूँ। यार बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का, काफ़ी इंजॉय किया, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था और जगह भी बहुत अच्छी थी, और शाम टाइम ऊपर जाना पड़ा है टावर पे, जितनी ऊंचाई पे मैं खड़ा था पहाड़ के ऊपर एक टावर था, और 60 मीटर के ऊपर जाना पड़ा है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध थी और टावर पे नमी भी थी, तो काम करके भी नीचे आए, चलो कोई बात नहीं, दिन सारा अच्छा गुजरा है, आए तो हम काम कर लिए ही थे, अगर इधर ना होते कहीं और जाते उधर भी काम ही करना था। और सबसे मज़े की बात यह है कि दिन को हम लेट ही आए थे, क्योंकि साइडें करीब थी, तकरीबन घर से बहुत हुआ तो 80 किलोमीटर दूर होगा, तो इंशाल्लाह जल्दी घर पहुंच जाएंगे, इसके बाद जो है ना घर ही सीधा जाना वाला, नेरा पड़ गया और सिटी इधर थोड़ा सा तकरीबन 30 किलोमीटर बाहर गया, तो आगे सिटी स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो है ना मैं इस वीडियो का इधर ही करूँगा अख्ताम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जो पहली दफ़ा आए उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी यार नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।